अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुसमुंडा कोयला खदान के भू विस्थापितों ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुनियादी सुविधाओं के साथ ही ब्लास्टिंग से होने वाले नुकसान जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने शनिवार को खदान के भीतर हड़ताल शुरू कर दी है। भू विस्थापितों का कहना है कि न उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, न ही मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी कोरबा जिले में SECL के भू विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन की कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। एक बार फिर से कुसमुंडा खदान के भीतर पाली पड़निया गांव के भू विस्थापित हड़ताल पर बैठ गए। भू विस्थापितों का कहना है कि उनकी प्रबंधक द्वारा मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, न रोजगार दिया जा रहा, न ही बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्लास्टिक के कारण उनके घरों में सामान टूट रहे हैं, उस समस्या का समाधान भी नहीं किया जा रहा है। खदान के भीतर भू विस्थापितों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल की जा रही है। किसी तरह की विवाद स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। भू विस्थापितों ने कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनके द्वारा इसी तरह से प्रदर्शन किया जाता रहेगा। क्या नाम है आपका? बताइए, क्या समस्या लेकर आया? ब्लास्टिंग से मेरे तो घर टूट गया है, और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, पत्थर गिरा तो खाना पूरा बिखर गया था, और टीवी भी ब्लास्टिंग से टूट गया है। और ऑफिस जाते हैं तो साहब लोग वो जाने कह के दूसरा दूसरा का नाम लेते रहते हैं। तो मेरी समस्या का तो समाधान करें, और काम के लिए वो बोलते हैं तो भी वो दूसरा दूसरा का नाम लेते हैं। तो साहब लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते हैं ना तो ब्लास्टिंग वाला साहब जाने, वो जाने, दुबे जाने, और क्या वो श्रीवास्तव जाने, ऐसे करके बोल देते हैं। एक बार पत्थर गिरा तो खाना भी कर गया, तो उसको बोले वो भी कुछ नहीं हुआ। अभी 15 दिन हुआ है, टीवी वो हुआ है, उसके बारे में बोले वो भी कुछ नहीं हुआ, बस घुमा देते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर श्रीवास। बताइए, अभी कहाँ आया हो, क्या चीज़ का हड़ताल कर रहे हो? रोजगार के लिए हड़ताल कर रहे हैं। क्या मांग रखे हो? मांग यही है कि हम लोग का गांव भू स्थापित है, पानी का और घर का जर्जर, पानी का संकट, ये सब चीज़ से परेशान है। दूसरी बात, हम लोग गांव वाले हैं, फिर भी हम लोग का काम। क्या नाम है आपका? शिव मंगल विश्वकर्मा। बताइए, अभी कहाँ आया हो, क्या चीज़ का हड़ताल? हम लोग खाली रोजगार के लिए हड़ताल किए हैं सर, और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बंजर हो जा रही है ज़मीन, और दूसरी बात ब्लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, घर टूटने लगता है, तो ये भी ब्लास्टिंग भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। पहले और शिकायत नहीं किए थे यहाँ? पहले शिकायत नहीं किए थे, हम लोग को आश्वासन भी दिया जा रहा है, 2 साल से घूम रहे हैं, ऐसी शिकायत कभी नहीं किया, पहली बार है। अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो आगे क्या करोगे? अब बैठे रहेंगे हड़ताल, जब तक मांग पूरा नहीं करते तब तक। अभी आया क्या कोई साहब? अभी तक तो नहीं आए हैं, आने वाले हैं शायद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।